आज तक इस घर में मेरा हुक्म न मानने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये सब मलाई वाले दूध का कमाल है। चुप। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे उस रूम में जाने से आपको प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों के लिए इतना जान लेना काफी है कि उस कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। ये बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं। हमारे पापा की यादें जुड़ी है उस रूम से। तुम्हारे पापा मत भूलो कि तुम्हारे पापा मेरे भी कुछ लगते थे। तुमसे पहले उसका उससे कोई रिश्ता था? था, रिश्ता था आपका, लेकिन हमारा रिश्ता तो आज भी है। आई से कीप क्वाइट। ऊंची आवाज में बात करके आप सिर्फ हमारी आवाज दबा रहे हैं, हमारे इरादे नहीं। हमें उस रूम में जाना है। एक लफ्ज भी और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कुछ लगते हो। हैरानी है आपको याद है। रहने दीजिए भाई साहब, चुप हो जाइए आप। ये तो सारे के सारे चिकने घड़े हैं, इन्हें कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। आप चलिए यहां से भाई साहब, प्लीज। आखिरी बार कह रहा हूं कि उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। ये जिद यहीं खत्म हो जानी चाहिए, समझे? सुनील, तुम मुझसे नाराज होगे। मैं बच्चों को तुम्हारे कमरे में जाने नहीं दे रहा हूं। क्या करूं सुनील? मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। ओम सर्वमंगल मांगल की सर्व साध की सर्व धर्म की कोटि नारायणी नमस्ते ते मां। क्या देख रहा है तू? मैं ये देख रहा हूं कि ये चाबियां कहां की है। इसमें से एक चाबी मेरे पापा के रूम की भी है क्या? देखो विष्णु, अगर ये चाबी गायब हुआ ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर के तुमको, समझ रहे हो ना? क्या पुलिस स्टेशन? हाँ। तो जाओ ना, मेरा भूला भाला चेहरा देखकर पुलिस को भी मुझ पर शक नहीं होगा। चाबी संभाल कर रखना, बाय। एक दो ऐसे और दिला दो तो भविष्य सुधर जाएगा हमारा। दीदी, पापा के रूम की चाबियाँ किसके पास होती है? बड़े सबके पास। और सुंदर काका के पास? स्पेयर चाबी। हाँ, उनके पास भी रहती है साफ सफाई के लिए। यस भैया, हाथ मिलाओ, चलो काम पे लग जाते हैं। सुबह बनाऊंगा धनिया की चटनी, आलू का पराठा, रात में पुदीना की चटनी, चावल दाल। माँ सुंदर, अरे सुंदर कहाँ गया? सुंदर क्या है? अरे सुंदर, रखोगे क्या दूध लाने के लिए? क्या? अरे नहीं यार, आज हम बहुत खुश हैं, और जब खुश होते हैं तो जिसे हम पसंद करते हैं उसे हम पैसे देते हैं। अच्छा, आप हमको पसंद करते हैं क्या? ऑफ कोर्स, डाउट है क्या? रखो ना। सुनिए, अगर हम ये रख लेंगे ना तो साहब मेरा 50 कर देंगे। बिल्कुल रख लो ना यार। नहीं नहीं नहीं, अरे रखो। सुनिए ना, छोड़ दीजिए, आज भर छोड़ दीजिए। ठीक है, जाने दो यार। अरे नहीं नहीं नहीं, सूर्या भाई देखिए देखिए, शायद तुम्हारे काम ना। देखिए हाथ आई लक्ष्मी को ऐसे मत ले जाइए। सूर्या भाई गलती हो गई। सूर्या भाई देखिए, कसम से गलती नहीं होगी। चोर, छोड़ो। हां छोड़ेगा, पहले उसको चाबी दे दो। ए तुम कैसे ऐसा करता है? हां जब सर ने बोला कहीं नहीं जाने का तो नर्क जाने का, समझे क्या? जाओ अभी, नॉटी बॉय। थैंक यू मिस पिंटो, आज आपने मुझे बचा लिया। बेटा सुंदर, अगर यह चाबी गायब हो गई होती ना तो तेरा तो ट्रेन टू कब्रिस्तान हो गया होता। कुछ करना ही पड़ेगा। फंसा मुर्गा। पापा, बेटा स्लो में चला गया।
लो और तेज चलाते। सिपाहियों, रामगढ़ पर चढ़ाई करनी होगी हमें, क्योंकि जब एक राजपूत का खून खोलता है तो आकाश का सीना चीर कर एक बिजली सी टूट पड़ती है। सुनील, ये क्या है? पापा, मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन में महाराजा वीर सिंह का रोल कर रहा हूँ। स्कूल पढ़ने जाते हो या नौटंकी करने? किसी फंक्शन वंक्शन में पार्ट नहीं लोगे तुम? सुनील, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, जो राह तुमने पकड़ी है उस राह में सिवाय बर्बादी के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पापा, फिल्म डायरेक्टर बनने का फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है और मैं अपने जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता हूँ, और ना ही आपके रुतबे और शोहरत के चमक से मैं टैलेंट को दबाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस काम में आपका साथ और आशीर्वाद दोनों मेरे साथ रहेगा। अगर यही तुम्हारी जिद है तो अब तुम्हारे साथ सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही रहेगा, मैं नहीं। फैसला तुम्ही को करना है, ये घर या तुम्हारा फिल्म प्रोफेशन। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, मैं जा रहा हूं। काश तुम रुक गए होते, ये घर घर रहता, बिखरे हुए रिश्तों का खंडहर नहीं। चंदन, क्या है वे? मुझे कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों? ब्रिगेडियर साहब तुझे निकाल रहे? नहीं नहीं, निकाल नहीं रहे, वो मेरा प्रमोशन कर रहे, मेरी तनख्वाह बढ़ा रहे। तू भी तो यहाँ इतने सालों से है, तेरी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तेरा भी प्रमोशन होना चाहिए। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, पर पैसे बढ़ाता कौन है? पैसे बढ़ाने के नाम पे सारे कन्नी काट जाते हैं। घबरा मत मेरे दोस्त, मैं बुआ जी से सिफारिश करूंगा कि तेरी प्रमोशन कर दे। क्या? हाँ, तू मेरा दुख बांट, मैं तेरी तनख्वाह बांट देता हूँ। कैसे? आ जा मेरे साथ बेटा। अंदर आओ। मैडम, अगर इजाजत दे तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। बोलो। ये अपना चंदन, ये कहता है कि वो बहुत ही बहादुर इंसान है और ड्यूटी पर पक्का इंसान है। तो मैडम, इसका कहना है ये काफी वक्त से आपके साथ है और अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहता है, कुछ चैलेंजिंग करना चाहता है। जी जी। क्या चैलेंजिंग काम? इसका कहना है कि कई सालों से सर के साथ बिजनेस में असिस्ट कर रहा है और अब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है। जी जी। अगर आप इसके काम से खुश हो गए तो इसका पेमेंट बढ़ा दीजिएगा। जी। बहुत उम्मीद लेके आया मैडम। देखिए, एक बार टैलेंट प्रूफ करने का मौका दीजिए मैडम, इसको लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करने का मौका दीजिए। अगर इसने कुछ भी गड़बड़ की मैडम तो ये नौकरी छोड़ देगा मैडम। हाँ, वही बोल रहा हूँ, कहता है कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको। क्या बोल रहा है? यही कहना चाहता था ना। हाँ। लेकिन चैलेंजिंग काम क्या है? कुछ नहीं मैडम, बस सुनील साहब के कमरे की रखवाली करना चाहता है। वही, यही दे रहा हूँ, चाहता है कि आप अपने हाथों से ये चाबी इसको। बोल रहा हूँ, वही बोल रहा, कहता है कि अगर कमरे में बच्चे गए तो ये घर से बाहर चला जाएगा मैडम, प्लीज। अरे, हाथ आगे बढ़ा दीजिए मैडम। ठीक है, आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। धन्य है मैडम आप, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू बोलो, बोलो ना। थैंक यू। हाँ, अच्छे से कर। सुंदर। सुंदर। हाँ भी। अरे हमसे किस जन्म का बदला लिया रे? अरे ज्यादा पीछे मत जाओ, इसी जन्म में बहुत पाप किए हो, उसी का बदला आई। अरे हमारे साथ ऐसा मत कर भाई, ये चाबी हमको चाबी नहीं, फांसी का फंदा लगती है रे। फांसी का फंदा लगती है? फांसी का फंदा है ससुरी, कल तक हमरे गले में थी, आज तुमरे गले में। जा बेटा, रात भर ड्यूटी बजाओ, सुबह ड्यूटी बजा के जिंदा रहे तो साथ नाश्ता करेंगे, नाइट गुड। अरे सुन ना मेरे भाई। ए, अरे भैया, खिड़की छोड़ो, हवा आने दो, नहीं मच्छरों को भी तुम तकलीफ दे रहे हो, जा ना, जा।
आखिर अपनी चाबी कैसे मिली? वही तो, मेरी चोरी का टैलेंट किसने चुराया? एक्चुअली विशु वो चाबी ना हमें चाबी से क्या लोगे तुम? कमरे में आ गए ना? यस। वाओ! ये पापा के बचपन के खिलौने। ये उनके ड्रामा के कॉस्ट्यूम। पापा भी यही सोच रहे थे ना, अब मैं जब उनको लेकर आऊंगा ना, तब हम सब उनके साथ ही यहीं पर सोएंगे। काश पापा इस वक्त हमारे साथ होते। अलग कब हुए थे? वो तो हमेशा हमारे साथ है, इस कमरे में, इन किताबों में, हर जगह। यस सर, सर बच्चे कमरे में नहीं है सर, लगता है एक बार फिर भाग गए सर। सुंदर, सुंदर बच्चे दूर नहीं गए होंगे, ढूंढो उन्हें। सर मैं भी उनको आसपास देख के आता हूँ सर। पहले कि किसी को पता चले हम लोग यहाँ पे, चलो पिंटो। मैडम मैं पूरा जगह ढूंढ मारा आसपास, सब तरफ, कहीं बच्चे नहीं लोग हैं। बच्चे? वो तो अपने रूम में ही आए। क्या बात कर रही है, 100 बार जाकर के मैं रूम में उनके देखा है, कोई नहीं है उधर। देखो सुंदर, 100 बार देखने के बदले तू 1 बार डॉक्टर के पास जाओ, तेरा आंख दिखाओ। अरे वो लोग रूम में ही है, जा वापस जा। गो मैन। खाली पीली सुनसान रोड पर एक आदमी भी। फिर दरवाजा खुलता है, वो गया। वेरी गुड। यस। प्रभु 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 मेरी रक्षा कीजिए ना प्रभु। वत्सचंदन। कौन है ये? मैं प्रभु बोल रहा हूँ इडियट। प्रभु? प्रभु धन धन भागो हमारे, चींटी के घर भगवान पधारे, धन धन भागो हमारे। अरे प्रभु मेरे तो भाग खुल गए। ये भाग खुले नहीं, भाग ले, भाग ले। भाग ले कहाँ प्रभु? अब मैं तेरे को रेलवे का रिजर्वेशन भी करा के दूं क्या इडियट? रेलवे से मतलब गांव प्रभु? हाँ गांव। पर भागो तो भागो क्यों प्रभु? क्योंकि इस पूर्णमासी को तेरे ब्रिगेडियर साहब तेरा फोटो का वन करने वाले हैं। मतलब मेरा मर्डर पक्का? करेक्ट बेटा। प्रभु 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 मेरी सहायता कीजिए ना प्रभु। प्रभु अरे मैं तुम्हारी कहां से मदद कर सकता हूँ भाई, ब्रिगेडियर मेरी ऐसी की तैसी कर देगा प्रभु। कैसी बातें करते हैं प्रभु, आपके साथ तो 33 करोड़ देवता है और ब्रिगेडियर के साथ 1 अरब पॉपुलेशन है भाई, मेरा सर्टिफिकेट बना देंगे बच्चा। प्रभु प्रभु कोई रास्ता तो होगा ना प्रभु? एक रास्ता है। कैसा रास्ता प्रभु? एरोबिक कर, एरोबिक। एरोबिक्स? हाँ तू एरोबिक कर। पर प्रभु बताइए ना करते कैसे हैं? देख दाया पर आगे निकाल। निकाला? हाँ अब एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम पीछे मा मा मा, एक कदम पीछे मा मा मा। आप भी करिए ना। मैं कर तो रहा हूँ प्रभु। अरे लक्ष्मी आंटी से बोल रहा हूँ, तू कर अपना। एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम पीछे मा मा मा, एक कदम पीछे मा मा मा, एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम पीछे मा मा मा। सुंदर सुंदर आया, एक कदम आगे चा चा चा। सुंदर चंदर। जी सर। गायत्री से कहो कि उसे ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी पेपर साइन करने हैं। बड़ी तो ऑफिस जा रही है, छोटी तो भी। इसका मतलब आज हम पूरा दिन पापा के रूम में बैठ सकते हैं। धीरे से बोल,
कोई सुन लेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। थैंक्स बोल भगवान को कि किसी को पता नहीं चला। चले अभी नहीं, आर्मी ऑफिस जा रही है, गई नहीं ना, चेक करते हैं फिर चलते हैं। चंदन जी सर, आज तुम घर पर रहो, गाड़ी मैं ले जाऊंगा, चाबी दो, चलो गए। ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहने का, हाँ